हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग लेंथ ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बट अब कहा क्या रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, अब वो कौन सा ट्रायंगल है? स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलस भी हो सकता है, इक्विलेटरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आइसोसेलस नहीं मानेंगे ना ही इक्विलेटरल मानेंगे, हम यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल मानेंगे। तो एक स्केलन ट्रायंगल दिया है जिसके दो साइड दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं दोनों साइड का जो लेंथ ऑलरेडी इट इज गिवन दैट ए एंड बी और उनके बीच का एंगल है थीटा। मतलब देखो बेटा, यहाँ तीन चीज दिया हुआ है, एक ट्रायंगल जिसके दो साइड होंगे उनके बीच का एक एंगल होगा, तो साइड तो फिक्स होगा, अब ये जो एंगल थीटा है वो वेरिएबल होगा, थीटा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, दो साइड मैंने दिया, उनके बीच का एंगल दिया, तो लेंथ तो फिक्स हो गया लेकिन थीटा यहाँ वेरी करेगा। क्यों, कैसे जाना वेरी करेगा? क्योंकि क्वेश्चन में ना कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा के किस मान के लिए एरिया ट्रायंगल मैक्सिमम होगा, अर्थात यहाँ जो हमारा थीटा है ये बेटा ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट नहीं है ये, और भी कॉन्स्टेंट है बट थीटा नॉट कॉन्स्टेंट, थीटा इज वेरिएबल। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए बी इक्वल टू ए यूनिट है और ए सी इक्वल टू बी यूनिट है और साथ ही साथ एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा है। बेटा ये जो माने हैं वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है और ये दोनों, ये जो थीटा है वेरिएबल है, यहां मैं लिख दे रहा हूं कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट। तो आपको एक फार्मूला लर्न करना होगा, डायरेक्ट आप लर्न कर लेना तो आसान हो जाएगा। कभी भी एक ट्रायंगल हो जिसके दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया हो, दो साइड और उसका इंक्लूड एंगल मतलब दो साइड के बीच का एंगल, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लर्न कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अब ये कहां से आया, कैसे है, इसका भी प्रोसीजर है मैं बता दूंगा, फिलहाल अभी तक बस इतना जान लो कि एक ट्रायंगल जिसके साइड दिए हुए हो तथा उसके बीच एंगल अगर थीटा हो तो फार्मूला होता है उस ट्रायंगल का एरिया का हाफ टाइम्स ए बी गुणे साइन थीटा। ठीक है, तो इसको एरिया ट्रायंगल एबीसी को हम शॉर्टकट में ए सपोज कर ले रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ए और बी कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, तो इस फंक्शन को ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आएगा डी बाई डी थीटा, दोनों तरफ लगाओगे ना, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया है। देखो ए इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा है तो डी ए बाई डी थीटा, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू होगा वन बाई टू ए बी गुणे डी बाई डी थीटा साइन थीटा, डी वाई डी थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है, तो यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बताओ फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी ए बाई डी थीटा क्या करते हैं, जीरो के बराबर इक्वेट करोगे, तो वहां से हाफ ए बी कॉस इक्वल टू जीरो, हम कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए बी बाई टू कभी जीरो नहीं हो सकता, तो जानते हो ना कॉस थीटा का मान जीरो होता है तब जब कॉस पाई बाई टू हो, तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाई टू, सो प्रॉपर्टी से थीटा बराबर पाई बाई टू। तो हमने ये पता कर लिया जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा उस केस में एरिया हमारा मैक्सिमम होगा, ये हमने मैक्सिमम के लिए प्रूफ ही नहीं किया है, थीटा बस निकाला है, यानी अब हमको एरिया मैक्सिमम दिखाना है, उसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फर्दर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, लिखो अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं, अनडिफरेंशिएटिंग बहुत आसान है, इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब क्या करोगे, दोनों तरफ डी बाई डी थीटा लगा दो, यहां भी डी बाई डी थीटा लगा दो, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बेटा ए बी यहां कांस्टेंट है, वन बाई टू कांस्टेंट होता ही है, ये हो जाएगा डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। सोचो क्या होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो वन बाई टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे, देखो डी टू ए डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, कॉस टू ए चेक करो, देखते हैं गुणे साइन 90 डिग्री पाई बाई टू, देखिए साइन पाई बाई टू वन होता है यानी माइनस ए बी बाई टू हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो ना कि डी टू ए, यहां समझो डी टू ए डी थीटा स्क्वायर लेस देन जीरो अर्थात निगेटिव है, तो हम कह सकते हैं एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम है, प्रूफ हो गया, कब, जब थीटा बराबर क्या बेटा पाई बाई टू। तो आप कह सकते हो ना मैक्सिमम एरिया क्या है, तो बताओ मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ ए बी साइन थीटा, मैंने यही पहले ही बोला था,
लिख लो देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का जो मैक्सिमम एरिया होगा 1 बाय 2 ए बी इंटू साइन थीटा अर्थात साइन फाइव बाई टू, मतलब 1 बाय 2 ए बी स्क्वायर इंटू साइन आंसर है क्योंकि साइन फाइव बाई टू को वैल्यू 1, यही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, बस आपको एक चीज लर्न करना इसमें है कि कोई भी ट्रायंगल हो अगर उनके बीच का लेंथ दिया हो, यानी ए और बी लेंथ पता हो और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तुरंत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर्स एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। देखो बेटा, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, जरा इसको समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि एक आपके पास ना एक टीन है, एक सीट है टीन का, जिस जो जो स्क्वायर शेप में है, अर्थात उसकी प्रत्येक साइड जो 18 सेंटीमीटर है। बेटा मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया, जरा समझो। हमारे पास एक स्क्वायर टीन है जिसका ईस्ट साइड जो है 18 सेंटीमीटर है, यानी ए बी ए डी डी सी और सी बी सबका लेंथ इस समय 18 सेंटीमीटर है। अब हमको करना क्या है, इसके प्रत्येक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर पीस हमको कट करना है। जैसे समझो, मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले से बना दिया है, समझ लो बेटा कि ये तुम्हारा क्या है, एक स्क्वायर टीन है जिसका प्रत्येक साइड क्या है तुम्हारा 18 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टीन से यानी इस सीट से मुझे एक डिब्बा बनानी है। देखो आपने माचिस की डिब्बी देखा होगा, एक ऐसे डिब्बा बनाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनना चाहिए, एक्चुअली में होता किस तरह है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इधर भी रहेगा ये, ठीक है ना, इस तरह से ओपन बॉक्स बनाना है। ये तभी बन सकता है जब मैं इसके प्रत्येक कॉर्नर से एक इक्वल अमाउंट में एक स्क्वायर से कट करूं। जैसे मान लो ये जो प्रत्येक स्क्वायर है इसका प्रत्येक भाग x यूनिट यानी x सेंटीमीटर, यहां से मैं कट कर दूं। देखो एक x यूनिट यहां से मैं कट कर दे रहा हूं, फिर मैं यहां से भी एक x यूनिट कट कर दे रहा हूं, x सेंटीमीटर का यहां से मैं कट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो जो ही मैं कट करूंगा तो हमारा इस शेप में आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे फ्लैप इसको फोल्ड कर देता हूं ऐसे। देखो जब तुम खुद करोगे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का मतलब क्या। बेटा जब तुम फोल्ड करोगे ना, ये तुम्हारा बन जाएगा एक ओपन बॉक्स, देख सकते हो, एक ऐसा बॉक्स बनेगा जब जिसकी लंबाई जो होगी 18 माइनस 2x होगी, ब्रेथ जो होगी 18 माइनस 2x होगी, लेकिन जो हाइट होगी ना x यूनिट के बराबर होगी यानी x सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने लेंथ को 18 माइनस 2x लिखा, ब्रेथ को क्यों 18 माइनस 2x लिखा और हाइट हमारा क्यों x हो गया। हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी कट ऑफ व्हिच इज x सेंटीमीटर, यानी इस स्क्वायर सीट से प्रत्येक कॉर्नर से मैं x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काट के मैंने निकाल दिया, ये उसकी लंबाई है x सेंटीमीटर की। ठीक है, तो उस केस में बॉक्स की लंबाई, देखो बेटा बॉक्स हमारा स्क्वायर है, सॉरी सीट हमारा स्क्वायर है, इसलिए जो सीट का लेंथ और ब्रेथ होगा वो सेम होगा। तो हो सकता है एक नया क्वेश्चन होगा जिसमें लेंथ 18 हो और ब्रेथ तुम्हारा 20 हो, उस केस में ये लेंथ हो जाएगा 18 माइनस 2x, अगर ब्रेथ हो जाएगा 20 माइनस 2x, अगर उस तरह का सवाल आता है तो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो बॉक्स है उसका बेस स्क्वायर है तो लंबाई थोड़ा सेम होगी, तो यहाँ भी लंबाई क्या होगी, लेंथ 18 माइनस 2x हो जाएगी, ब्रेथ 18 माइनस 2x हो जाएगी, हाइट तो हमारा x ही रहेगा। क्यों हाइट रहेगा, देखो ये ऐसे ही हमारा कटने के बाद कुछ ऐसे ही दिखेगा स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ ना, तो देखो यही हमारा हाइट होता है। ये देखो ये जो हाइट है वो x यूनिट है, देखो ये ओपन बॉक्स है कि नहीं आप देख सकते हो, जिसकी लंबाई 18 माइनस 2x है, चौड़ाई 18 माइनस 2x है, हाइट हमारा x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देखो साइड में x लिखा है, अब तुम क्या करो, बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको एक्सपेंड कर दो, अच्छे से एक्सपेंड कर दोगे v निकल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इस वॉल्यूम फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कुछ ऐसे आएगा, मैं आप सब जानते हो, मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए dv / dx = 0 करने पे x की दो वैल्यू आएंगी, यहां से देख लेना x = 9 x = 3। अब तुम ये बताओ, या तो x = 9 सेंटीमीटर पॉसिबल होगा 3, ये बताओ अगर मैं यहां से भी 9 सेंटीमीटर कट मार दूं, यहां से भी 9 सेंटीमीटर कट मार दूं, बचेगा क्या, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 18 सेंटीमीटर है, यानी हम कह सकते हैं x = 9 नॉट पॉसिबल, यानी x = 9 इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल क्या बेटा, वो एक ही सही होगा ना, यानी x = 3 सेंटीमीटर ये हमारा वैलिड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि
हमें तो पता चल गया कि अगर मुझे बॉक्स बनानी हो ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम एक्स क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, कम से कम 3 सेंटीमीटर का हमको कट मारना पड़ेगा सभी कॉर्नर से, ये तो पता चल गया। लेकिन ये थोड़े पता चल रहा है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। देखो वालू मैक्सिमम के लिए हमें निकालना है ना, तो क्या करेंगे इसको आप इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लो ठीक है, इक्वेशन 2 को फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव एक्स बराबर 3 पे अगर निगेटिव आता है तो हमारे लिए वालू मैक्सिमम हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो लिखो अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी है तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं फ्रॉम 2 से, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स 2 एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, इसका 24 इंटू एक्स होगा और बेटा इसका -144 होगा। बस अब पॉइंट रख दो, तो पॉइंट रखोगे तो क्या आएगा, डी टू बी डी एक्स 2 किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 पे रखो, 24 इंटू 3 और -144, तुम खुद देखो ना 72 -144। अब बताने की जरूरत नहीं है इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप करके देख लेना कितना आता है, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा 0, नेक्स्ट देन 0, तो कहेंगे वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम है, एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर ठीक है ना, ये तो पता चल गया। देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, तो बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वही है x की वैल्यू रख दो, तो क्या था लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई था ना, मैं तो पहले याद दिला दूं, 18 - 2x * 2 तुम इसमें भी रख सकते हो, 18 - x = 3 रखो तो 6 घटेगा ना, इनटू 3 करते रहो, 12 गुणे का इसका 144 गुणे 3 तुम चेक कर लेना, अरे भैया 18 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 का 144 होता है गुणे 3 करो कितना आएगा, 3 जो 12 करीबन 3 जो 12 13 और 32 सेंटीमीटर 2, यही आंसर आएगा, आप चाहो तो चेक कर लेना ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। बस आपको ये जानना था लेंथ क्यों हमारा 18 - 2x सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्यों 18 - 2x सेंटीमीटर है और हाइट हमने x क्यों लिया, यही आपको जानना था। इस तरह से हमने ये देखा कि उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है बेटा, 432 सेंटीमीटर क्यों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह है, प्रीवियस में से पहले क्या था बेटा, हमारा स्क्वायर शीट था या रेक्टेंगुलर टिन शीट है, तो देखो वही कॉन्सेप्ट है, करें और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड इन टू अ बॉक्स, इस शीट की सहायता से हमें एक बॉक्स बनाना है, एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं रहेगा ठीक है। तो कैसे बनेगा, फ्रॉम ईच कॉर्नर से हमें एक स्क्वायर पीस काटना होगा और उसका मोड़ना होगा ठीक है, इस तरह से मुड़े हुए जो बॉक्स तैयार होगा मोड़ने फोल्ड करने पे उसका हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है ठीक है, और कितना लेंथ का हमें चारों कॉर्नर से कट करना होगा स्क्वायर पीस, उसका लेंथ भी हम ज्ञात करेंगे बेटा, वही सवाल है। तो जैसा कि आप जानते हो कि बेटा अगर तुम यहाँ से भी एक सेंटीमीटर यहाँ से भी एक सेंटीमीटर का स्क्वायर काटोगे तो अब जो न्यू बॉक्स की जो लेंथ आएगी उसमें 2x की कमी होगी, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स हमारा 45 - 2x है, क्योंकि अब सॉरी यहाँ देखो ये हमारा लेंथ है 45 सेंटीमीटर, यहाँ से भी एक सेंटीमीटर की कमी की या यहाँ से भी एक सेंटीमीटर, तो न्यू लेंथ होगा 45 - 2x, ब्रेथ हमारा हो जाएगा 24 - 2x बॉक्स की ठीक है, यहाँ से भी एक सेंटीमीटर कट किया यहाँ से भी, और हाइट हमारा वही रहेगा एक सेंटीमीटर रहेगा, मैंने बताया था बच्चा क्यों एक सेंटीमीटर रहेगा ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ हमारा 45 - 2x है, ब्रेथ हमारा 24 - 2x है और हाइट हमारा x है। थोड़ा और जब सिंप्लीफाई करोगे ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे तो अंत में ही आएगा, कभी भी हम फंक्शन जब बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, तो बेटा ये जो एक्सपेंशन जो फॉर्म होता है हमेशा सिंप्लीफाइड होता है, आप इसको अच्छे से ब्रैकेट एक्सपेंड कर लीजिएगा, इसको आप चाहो फर्स्ट मान लो, आप कहना अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी है, तो सीधे हम डायरेक्ट डीवी बाई डीएक्स निकालेंगे, सो डीवी बाई डीएक्स इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं आप देखो, इट बिकम्स 12x² बेटा, ये क्या होगा 2 × 2 = 16, 2 × 6 = 6 हो जाएगा ठीक है ना, और x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1080। अच्छा देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या इसमें से देखो 12 कुछ कॉमन है या 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए लो और सिंप्लीफाई करो इसको, तो बच्चों हम 12 कॉमन ले सकते हैं,
देखो 12 कॉमन लेने पे क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये 23 आप एक्स हो जाएगा, यहाँ से 90 आएगा। अब जाके ये हमारा डीवी बाई डी एक्स हुआ। चाहो तो इसको इक्वेशन टू भी कह देना, ठीक है। अब लिखो फार मैक्सिमा मिनिमा वी है, क्या होता है बेटा फार मैक्सिमा आर मिनिमा, हम जानते हैं डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है। सो दिस इंप्लाइज दैट 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 90 इक्वल टू जीरो बिकॉज वी नो दैट 12 नॉट इक्वल टू जीरो। चलो भाई स्प्लिटिंग मेथड करो, क्या आएगा 15 प्लस 6 क्या होता है 23 होता है ना, देख लो आप तो खुद समझदार हो, सब तो पढ़ चुके होंगे, चेक कर लेना गड़बड़ है नहीं होगा। 15 6 21 होता है, सॉरी 35। हाँ सोचो यार 90 है ना, क्या हो सकता है, यही तो सरचार फार्मूला जिंदाबाद, उसको हम लगा ही सकते हैं। सोचो सोचो, तब तक हम ब्रेक लेते हैं। तो अपना सरचार फार्मूला लगाओ, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो देखो क्या होता है फार्मूला, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपन टू ए, जहाँ ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू माइनस 3 माइनस 23 है, सी इक्वल टू 90 है। ओवरऑल जब सीधा फार्मूला लगाओगे तो अंत में आएगा एक्स इक्वल टू आएगा 23 प्लस माइनस 13 अपन टू। तो जैसा कि पता है कि या तो 23 प्लस 13 बाई 2 वैल्यूड होगा या तो 23 माइनस 13 बाई 2 वैल्यूड होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। आइए देखते हैं बारी बारी से। तो मैं यहाँ तक वैल्यू मैं यहाँ से अरेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे डीवी बाई डी एक्स चाहिए ना, इसलिए इसको बचा के रखा। तो आप लोग उसके नीचे लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा। सो x इक्वल टू होगा या तो 23 प्लस 30 बाई 2 होगा या 23 माइनस 30 बाई 2 होगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, जो सोचो जरा, ये होगा 36 बाई 2 या x इक्वल टू होगा 10 बाई 2 या होगा x इक्वल टू 18 होगा या x इक्वल टू 5 होगा। बेटा देखो कौन सा वैरिएबल है, जरा सोचो, अगर मैं इधर से भी 18 सेंटीमीटर कट मार दूं, इधर से भी, तो टोटल 36 हो जाएगा, जबकि हमारे तो कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर है, नॉट पॉसिबल है। यानी यही हमारा वैलिड है, क्यों, इधर से 5 इधर से 5, 5 पर 10 कट जाएगा, बचेगा हमारा 24 माइनस 10, सही तो है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 18 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉसिबल क्या है, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया कि हमें चारों कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कट करना पड़ेगा। अब ये पता कर लें कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर एक्स वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। अगर डी टू बी डी एक्स टू का साइन नेगेटिव आता है तो कहेंगे हाँ होगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। आइए देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू आप लोग लिखोगे आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी टू बी डी एक्स टू। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। 2x बेटा देखो 12 तो बाहर है, x स्क्वायर का डिफरेंस 2x होगा, और माइनस 23x का 23 होगा, 90 का 0 हो जाता है। एट x इक्वल टू 5 पे जरा डी टू बी डी एस टू निकालो, देखो इसका साइन क्या है, नेगेटिव आना चाहिए। देखो 2 5 10 10 में से 23 जाएगा, नेगेटिव आएगा, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ नेगेटिव। आप अच्छे सिंप्लीफाई करके भी लिखो, लिखो चना लिखो, डायरेक्ट पता है कि ये नेगेटिव आने वाला है, लिखोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी। डी टू बी डी एस टू लेस देन 0, इसका यह मतलब हुआ कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ इसको, मैं देख अब चलो ठीक है इसको बैठा देता है। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, प्रूफ हो गया ना, मैक्सिमम है मिनिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। किसका वॉल्यूम, बॉक्स का, कब, जब एक्स बराबर क्या निकाला था मैंने 5 सेंटीमीटर, चलो ये तो पता चल गया। अब देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, चलो अब निकाल लो तुम लोग। एक तरीका है कि v बराबर जो सिंप्लीफाइड फंक्शन, तो उसमें रख दो, नहीं तो मैं स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिरेस कर दिया है। तो क्या होगा 25 माइनस 2x लेंथ, कुछ ऐसे लिखा होगा 45 माइनस 2x, हो सकता है 45 माइनस 2x को आगे रखा था, 24 माइनस 2x को सेकंड टर्म में रखा था, इन 2x इसी में रख दो x की वैल्यू। चलो ठीक है अच्छे से लिख लेते हैं, देखो ये लिखा होगा और x लिखा था, चल 45 माइनस x का डबल 10 करता दो, यहाँ भी 10 माइनस कर दो, और यहाँ पे 5 ही करोगे, ध्यान देना ये 35 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। चलो भाई मल्टीप्लाई करो अच्छे से, 5 25 को 5, जो आसान हो पहले कर देना।
अब अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है वही लिख दो, ठीक है। 175 × 14 सेंटीमीटर क्यूब जो आता है वो नोट कर लो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, आप चेक कर लेना, सही है गलत बताइए जरूर, 2450 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। एक बार देख लेना क्या आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इससे पहले क्वेश्चन लगाया जा चुका था, कभी ना कभी हमने बताया इसको, जब और रिवाइज करते हैं। कह रहे, अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। जैसा कि बेटा क्या है, पहले तो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल विंडो है जिसमें लेंथ और ब्रेथ हमने मान लेते हैं कि लेंथ इसका एक्स मीटर है, ब्रेथ हमारा वाई मीटर है, और इस रेक्टेंगल के इस साइड को रिमूव करके एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग बना दिया गया है। जैसे आपने खिड़की देखा होगा, रेक्टेंगल शेप होता है, उसके ऊपर एंड पे सेमी सर्कुलर ओपनिंग होते हैं, कुछ वैसे ही है। ध्यान देना बेटा, ये जो लेंथ ए डी है ना, वो नहीं है, उसके जगह पे सेमी सर्कुलर को यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं फंक्शन किस लिए बनाना है, उस प्रकाश इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा है उसके लिए फंक्शन बनाना है। कुल मिलाकर के हम एरिया इस विंडो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया विंडो अगर मैक्सिमम होगा तो लाइट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट का जो लेंथ है वो एक्स मीटर है और ब्रेथ वाई मीटर है, इस तरह से सेमी सर्कल जो बना है ये जो ओपनिंग, इसका डायमीटर तुम्हारा एक्स होगा, तो रेडियस एक्स बाय टू हो जाएगा, ऑब्वियस है, इसलिए मैं यहाँ पे यहाँ सेंटर वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो सपोज कर दे रहा हूँ। अब देखो, हम मान लेते हैं कि लेट बी सी बराबर एक्स मीटर, जैसा कि बी सी अगर एक्स है तो बेटा ए डी भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और हाफ जो होगा एक्स बाय टू होगा, तो ए बी इक्वल टू वाई मीटर। सो दिया है, इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ विंडो 10 मीटर। कैसे पेरीमीटर निकालोगे, देखो देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल है, गलती से तुम ए डी को मत जोड़ देना, क्योंकि ए डी है ही नहीं, उसी की जगह पे तो ये तुम्हारा सेमी सर्कल बना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, इक्वल टू 10 मीटर। अब देखो, ए बी हमारा वाई है, बी सी हमारा एक्स है, सी डी हमारा वाई है, वहां से देख लो। अब प्लस किसी भी सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर रेडियस आर है तो 2πr होता है, और सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है पाई है। देखो बेटा, मैंने पेरीमीटर नहीं बोला, सर्कमफेरेंस यानी ऊपरी वाले हिस्से से मतलब है, ठीक है ना, ये वाला जो आर है, तो पाई इंटू रेडियस पाई इंटू एक्स बाई टू, क्योंकि हमारे लिए रेडियस एक्स बाई टू है, और यहाँ मैंने लिख दिया था पाई एक्स बाई टू मीटर, ये इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस रेडियस। थोड़ा सा इसको बेटा हम इसको ना अच्छे से लिख करके फिर सिंप्लीफाई किया वाई के लिए, जरा वाई के लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों, देखो लिखने का तरीका मैं बता दूं, जैसे मुझे वाई की वैल्यू रखना था, यहाँ टू वाई है, तो अगर वाई की वैल्यू रखना है वन, वाई का क्वेश्चन वन तभी आएगा जब प्रत्येक टर्म में टू से डिवाइड करूँ, इसके बाद मैंने क्या किया, प्रत्येक टर्म में टू से डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा आ जाएगा, वाई बराबर लिखने से ही आ जाएगा। अब देखो, मान लेते हैं कि खिड़की इस पूरे विंडो का जो एरिया है वो ए है, सो ए बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, वन बाई टू इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो वन बाई टू इंटू पाई इंटू रेडियस हमारा एक्स बाई टू है, जिसका होल स्क्वायर होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, एरिया बराबर एक्स इंटू वाई प्लस पाई बाई टू इंटू एक्स बाई टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर होता है। अब एक काम कर सकते हो, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आएगा एक्स इंटू फाइव माइनस एक्स बाई टू माइनस पाई एक्स बाई फोर, मतलब हमने वाई की वैल्यू पुट कर दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अब देखो इसको और अच्छे सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यह है कि जब एरिया मैक्सिमम होगा, यानी जब ज्यादा से ज्यादा इस खिड़की के रास्ते से प्रकाश आएगा, उस केस में हमारे विंडो का रेक्टेंगुलर पार्ट का डायमेंशन क्या होगा, अर्थात लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो कुल मिलाकर के जब एरिया मैक्सिमम होगा तो उस केस में एक्स और वाई क्या होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है, आइए देखते हैं। अब क्या करो, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा, ए इक्वल टू फाइव पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई फोर, पी एक्स से इसी मल्टीप्लाई करेगा, बगल में तुम्हारा क्या पाई एक्स स्क्वायर बाई एट है, तुम चाहो तो इसको और छोटा कर दो, देखो एक्स स्क्वायर तीन जगह है, एक काम करो सबका एलसीएम ले सकते हो, सबका एलसीएम जरा एट ले लो और छोटा हो जाएगा, जैसे यहां से 40x हो जाएगा, यहाँ से माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ से 2 पाई x² हो जाएगा और यहाँ से सिंपली πx² हो जाएगा। ये हमारा a फंक्शन है, एरिया फंक्शन। और सिंपलीफाई कर सकते हो 1/8 ब्रैकेट में 40 ऑफ x। अब देखो प्लस, हम सब जगह इन तीनों में से x² कॉमन ले रहे थे, यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से पाई आएगा। एक मिनट क्या कर रहे हैं, देखो -2πx + πx² सिंपली आप लिख सकते हो -πx² क्या मतलब है उसका, ठीक है रहने तो बस हो गया। तो क्या लिखे हैं, कुछ और छोड़ दिए हैं क्या? जी हाँ, चलो बनाओ। बोल रहे हैं ना तो बोलने और लिखने में दिक्कत हो जाती है। बस रहने दो, ठीक ठीक भैया। -2πx² + πx² सब्ट्रैक्ट होगा सिर्फ -πx², ठीक है ना। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, लिखो 1 मान लेना। तो क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dA/dx = 1/8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 40 हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये 2πx हो जाएगा। अब लिख देना इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा बेटा होता है dA/dx = 0। डायरेक्ट लिखो 1/8 ऑफ 40 - 8x - 2πx = 0। आपको पता 1/8 कभी 0 नहीं होता, 0 ही होगा। 40 - 8x - 2πx = 0। यहाँ से बेटा x बराबर निकालो तो या 40 = होगा 8x प्लस भर जाएगा तो 2πx हो जाएगा। अच्छा काम को x कॉमन ले लो, 8 + 2π = 40 होगा। सो x = होगा 40/8 + 2π। चाहो तो 2 से ऊपर नीचे कंसिडर कर दो तो 20/4 + π होगा। तो देखो इस तरह से x की वैल्यू आ गया हमारा 20/4 + π। बेटा एक बात और है, जो ही x आया y निकाल लिया करो, ठीक है ना। और यूनिट क्या लिखोगे, मीटर या सेंटीमीटर? अगर मीटर में तो मीटर में लिख देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। फिलहाल x तो हमारा आ गया, अब हम ना y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू वहां से आएगा जहां से हमने x y में एक रिलेशन स्टेबलाइज किया, उसमें पुट करके पहले y निकाल दो, तब जा करके हम सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों सिंस y की वैल्यू हमने पता कर लिया, y की वैल्यू क्या आया था आप देख लेना, 5 - x / 2 - π x / 4। तो आप x की वैल्यू पुट करो, तो देखो बेटा जब तुम x की वैल्यू ये देख रहे हो तो x/2 तुम्हारा होगा 10/4 + π, और x/4 की वैल्यू होगा 5/4 + π। मतलब आप x की वैल्यू पुट करना यही आएगा, और अच्छे से सिंप्लीफाई करो तो अंत में y की वैल्यू आएगा बेटा 10/4 + π। आप देख लेना बहुत ही इजी कैलकुलेशन है x y कैसे हमने निकाला। अब देखो हमारा जो फंक्शन क्या था, dA/dx था, शायद ये इक्वेशन नंबर 2 था आप देख लेना। तो हमें ये चेक करना है इस डायमेंशन के लिए क्या हमारा एरिया मैक्सिमम है कि नहीं, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फिर x और y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू ही पुट करेंगे, अगर dx² का साइन नेगेटिव आता है तो हमारा एरिया मैक्सिमम होगा, और नहीं पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। तो देखो अनडिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विच इज इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दो फ्रॉम 2 से मैं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये d2a/dx² हो जाएगा ना, और ये 1/8 होगा, 40 का डिफरेंशिएशन 0 होता है x के रिस्पेक्ट में, -8x का सिर्फ -8 होगा, और -2πx का -2π होगा। देखो जी इसमें तो x है ही नहीं, तो क्या x में x रखेंगे? नहीं, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। तो सीधे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -8 - 2π/8। ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये सीधा लेस देन 0 कब, जब x = जो आया था वो नोट कर लेना, व्हेन x = y = 2, ठीक है। मतलब y की वैल्यू क्या निकाले हैं, 10/4 + π अभी तो निकाल लेते हैं, और x की वैल्यू शायद क्या था, 20/4 + π था कि 5/8 क्या था, जरा बताइए तुम देख लो भाई क्या आया था। x की वैल्यू था 20/5 + 4 था, हाँ ठीक है, 20/4 + π मीटर था, π, ठीक है चलो ठीक है यही आएगा, ठीक है ना। तो दस एरिया क्या बेटा, एरिया इज मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। कब मैक्सिमम, जब x और y हो गया, और उस केस में डायमेंशन क्या है हमारा, दिस एंड दिस, यही हमारा सोल्यूशन है, यही पूछ रहा था ना।
डायमीटर और मैक्सिमम एरिया तो नहीं पूछ रहा है ना, टोटल पेरिमीटर विद्युत स्टैंड। ठीक है आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना बेटा। डायमेंशन पूछ रहा था, यानी लेंथ और ब्रेथ। हमारा लेंथ क्या 20/4+5 मीटर एंड नेक्स्ट ब्रेथ इज इक्वल टू 10/4+5 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों।